नमस्कार, आप देख रहे हैं केके न्यूज़। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जबलपुर के वार्ड क्रमांक 58 राधाकृष्ण वार्ड से भाजपा नेता रत्नेश सोनकर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेता संजय अग्रवाल के द्वारा भाजपा के कार्यकर्ता के साथ मारपीट की गई। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने यहां भी आरोप लगाया कि किसी व्यक्ति के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बारे में अभद्र टिप्पणी की गई है। हालांकि रत्नेश सोनकर के द्वारा बताया गया है कि उन्होंने यहां वीडियो नहीं देखा है, परंतु यदि ऐसा कुछ हुआ तो उस व्यक्ति के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। थाना प्रभारी उमेश गोहलानी ने बताया कि इस घटना को संज्ञान में लिया गया है एवं आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। दोनों ही नेता हनुमानताल थाने पहुंचे और एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे। वही भाजपा और कांग्रेस नेता की शिकायत थाने में लिखी गई है, पूरे मामले की जाँच कर रही है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। अब ये यहाँ पर अभी भाजपा कार्यकर्ता काफ़ी एकत्रित हैं, क्या घटना घटित है? भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि कुछ बाहरी तत्व यहाँ घूम रहे हैं, न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, और जब किसी व्यक्ति ने उनको टोका तो उसके साथ जो है उन्होंने धक्का मुक्की की है, और हमने जो है नाम नोट कर लिए, एक को पकड़ भी लिया है कि कहाँ से आया, कैसे आया और क्या कर रहा था, इस तरीके से पूछताछ चल रही है। और काफ़ी भीड़ को ये लगा कि क्या हो गया, तो वो सब साथ में आ गए हैं। बाकी स्थिति नियंत्रण है और जो भी वैधानिक कार्रवाई है, यदि किसी ने न्यूसेंस किया है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई हम लोग करेंगे। यहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बारे में कोई टिप्पणी की गई है। नहीं, प्रधानमंत्री जो है और मुख्यमंत्री के बारे में टिप्पणी जैसी कोई बात नहीं है। बस ये है, वो तो देश के आइकॉन है तो स्वाभाविक है, उनके बारे में कोई कैसे टिप्पणी कर सकता है। बाकी ये मामला पूरा ये है कि जो कुछ लड़के घूम रहे थे, ये वार्ड के नहीं है, बाहर के हैं, तो ये कैसे घूम रहे थे, इस तरीके की बातें आई हैं, तो हम उसमें वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। अभी यहाँ घटना क्या हुई है? अब चूँकि कल 6 तारीख को चुनावी महापर्व है और हम लोग सब अपने कार्यालय में बैठ के कल के अपने चुनाव का जो मैनेजमेंट का काम है और अपने लोगों से संपर्क करना, बातचीत करना, ये सब हमारे कार्यालय में हम बैठ के चल रहे थे। लेकिन हमारे वार्ड के अंतर्गत शारदा नगर क्षेत्र की जो पहाड़ी है वहाँ से कुछ कार्यकर्ताओं ने हमको फ़ोन पे सूचना दी कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं संजय हरवार, अपने साथियों के साथ क्या, अपने गुंडों के साथ वहाँ पर करीबन 30-40 गाड़ियों के साथ वहाँ पहुँचे और बस्तियों में चिल्ला कर वहाँ लोगों को गालियाँ गुप्तार करी, गाली बकी और हमारे कार्यकर्ता के साथ मारपीट करी और उसको जान से मारने की धमकी दी। तो जैसे ही हम लोग को जानकारी लगी तो हम लोग अपने कार्यालय से सीधे ही चौकी आके, हम लोग यहीं पर जब से चौकी में ही, चौकी प्रभारी जी चूँकि बताते कि वहीं पर थे, मुझे अब जानकारी तो नहीं है, तो जब से अब हम लोग यहीं पर हैं, अब वही जद्दोजहद चल रही है कि भाई हम चाहते हैं कि उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए जिन लड़कों ने वहाँ पर न्यूसेंस किया है। क्योंकि हम लोग तो सब भारतीय जनता पार्टी के संस्कारित कार्यकर्ता हैं और अपने जनता में काम के दम पर अपने चुनाव को लड़ना चाहते हैं और हम लोग ने अपनी बात जनता के बीच में रख चुके हैं। अब कल चुनाव का महादान है, जनता खुद अपने मर्जी से तय करेगी, लेकिन अब इनका काम ही पेशा है दारू बाँटना, पैसा बाँटना और आपराधिक प्रवृत्ति जिनका शुरू से पृष्ठभूमि रही है। तो अब ये हम उनके बारे में क्या चर्चा करें, उनके तो दिए तले अंधेरा है, जनता देख चुकी है, सब जान चुकी है। यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बारे में कुछ टिप्पणी की गई है। जानकारी तो मुझे भी आई है लेकिन वो वीडियो अभी मैंने देखा नहीं हूँ, लेकिन यदि ऐसा कुछ किसी के द्वारा यदि किसी ने कहा है तो वास्तव में ये बहुत निंदाजनक है और ऐसे कहने वाले जो भी व्यक्ति होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।